क्या बुरेवाला का रुख करेंगे। मेपको किरिचकारी के खिलाफ बुरेवाला में भी एहतजाज किया जा रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से काशिफ चौधरी। काशिफ बताएगा। जी बिल्कुल, वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा मेपको हाइड्रो पावर यूनियन के जानब से जो है वो मुकम्मल हड़ताल की गई है और वापडा मुलाजमीन की जानब से पूरे वाला सब डिवीजन के ऑफिस में ही जो है धरना दिया जा रहा है, इल्तिजाजी धरना दिया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ जो है शदीद नाराबाजी भी की जा रही है। इसमें मेरे साथ जोनल चेयरमैन शाह बारी गुजर जूनम सिंह इस वाले से बस रहे। सर क्या मुतालबात आपके हैं और ये धरना जो है कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद जनाब खान खुर्शीद खान साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी हदायत पर ये धरना जो है आज 25 तारीख का है, उसके बाद 3 तारीख को होगा, उसके बाद 11 तारीख को होगा। ये हमारी काल दी हुई है हमारे कायदीन ने। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जैसा कि हमारे कायद खुर्शीद खान साहब ने भी उनसे यही बात कही है कि आप हमारे साथ बैठे टेबल पे, हमारे साथ मजाकात करें। अगर आप हमें ये चीज साबित करें कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जा रही है ये सही है तो हम आपकी बात मानेंगे। अगर हम आपको ये बात मनवाने में कामयाब हो गए टेबल पे तो आपको माननी पड़ेगी कि ये हम कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाएं, आप इस महकमे को सहूलियात दें। जब कायद आजम के दौर से ये बात कायद आजम ने हमारे कायद ने ये बात कही थी कि ये जो बड़े अदारे हैं ये गवर्नमेंट की तहवील में रहने चाहिए। अगर आप ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, इनको भेज देंगे, ये सेठों के पास चले जाएंगे तो ये मलाजमीन का इस्तेहसाल होगा, मलाजमीन के लिए ये और हमारे तमाम जितने भी पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब गए हैं जो जो पीछे इन्होंने तजर्बात किए हैं उससे सब सीखे। तफसीलात से आगाह करने का रुख करें।